हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मई 1 को दुनिया की 80 से ज़्यादा ममालिक में मई 1 एज अ लेबर डे मनाया गया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में लेबर डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 19th century में जब USA में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अरूज थी, तो उस वक्त जो इंडस्ट्रीज में मजदूर काम करते थे वो दिन में 12 घंटे काम करते थे और हफ्ते के 7 दिन ही काम करते थे, और उनके पास कोई छुट्टी या कोई रेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि वो अपनी बेसिक लिविंग जो है वो इसी काम, इसी मजदूरी से जो है वो अर्न करते थे, और ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मिल्स, फैक्ट्रीज और माइंस में चाइल्ड लेबर आम थी, यानी कि बच्चों से मजदूरी करवाई जाती थी, जो कि कभी कभार उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। यूजुअली तो उनका फ्यूचर ही स्टेक पे था। वो मजदूर जो है बहुत ही अनसेफ कंडीशंस में काम करते थे, उनको कोई भी काम के दौरान कोई किसी फ्रेश एयर भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, ना ही उनको काम के दौरान कोई इतनी ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड की जाती थी, और वर्किंग कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जो मशीनरी थी उसमें किसी का हाथ आ जाता तो हाथ कट जाता, बाजू, कभी कभार तो जो है वो मजदूरों की जान भी चली जाती। लेकिन उस वक्त के जो मालकान थे या जो कैपिटलिस्ट थे, उनको उसकी कोई भी परवाह नहीं थी कि कोई मजदूर मर रहा है या उनकी क्या कंडीशंस हैं। लेकिन जैसे जैसे मजदूरों को इन हालात में काम करने पर मजबूर किया गया, तो उसी वक्त ही लेबर यूनियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर कर आया, और जो मजदूर थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, और इस अपनी जो नाइंसाफियां थी उनके साथ फैक्ट्रीज में हो रही थी उनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। तो लेबर डे के रिलेटेड एक ऐसा इवेंट हुआ USA में हे मार्केट में 1866 में। हे मार्केट में जो मजदूर थे उन्होंने अपनी हकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए एक रैली या एक प्रोटेस्ट जो है वो एक किसी भी चौराहे पर जो है वो ऑर्गेनाइज किया। तो उस प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए वहां पर जो स्टेट की पुलिस थी वो भी आ गई, और उस वक्त जो है वो बारिश का मौसम भी था, तो उस वक्त की जो अथॉरिटीज थी या पुलिस थी उनको तवक्का नहीं थी कि लोग इतनी जोरों शोर से जो है वो इस प्रोटेस्ट या रैली में हिस्सा लेंगे। जैसे ही उस प्रोटेस्ट के दौरान उस मजदूर लेबर यूनियंस के जो लीडर थे वो स्पीचेस कर रहे थे, तो उसी दौरान ही किसी ने पुलिस पे जो है वो एक बम फेंका, जिसमें पुलिस के चंद अहलकार जो है वो मारे गए। उसके बाद पुलिस ने जो है वो उन मजदूरों पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में जो बारिश हो रही थी, जो पानी बह रहा था, तो मजदूरों का खून भी उसी पानी के साथ बहने लगा, और उन्होंने जो झंडा उठाया हुआ था अपने हकूक के लिए, तो वो फ्लैग झंडा जो था वो वाइट कलर का था, तो वो झंडा भी उसी रंग में सुर्ख हो गया। तो इसीलिए उसी दिन से ये जो भी लेबर मूवमेंट्स आई, तो उन्होंने जो है वो अपना झंडा या फ्लैग जो है वो रेड कलर का, सुर्ख कलर का ही रखा। और इस प्रोटेस्ट की खास बात ये थी कि ये रात को जो है वो अरेंज किया गया था। तो इस वाक्य में जितने भी वर्कर्स मारे गए उनकी जो खून से लदे हुए कपड़े थे या जो उनके झंडे थे जो खून से लाल हो गए थे, तो वो लेबर यूनियंस ने उन झंडों को वहाँ की जो लोकल बिल्डिंग्स पे, रोड्स पे जो है वो लगा दिया। जैसे ही सुबह को उस शिकागो शहर के लोग उठे, एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू हुई, तो उन्होंने ये सारा माजरा देखा, और ये भी उनको पता चला कि लेबर यूनियंस वालों के साथ कितना जुल्म हुआ है। तो इसी तरह उन लेबर यूनियंस की जो वॉइस थी, वो आवाज़ थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी दुनिया में फैलने लगी, और उनकी जो मूवमेंट है उसको भी बहुत ही सपोर्ट मिली वर्ल्ड वाइड। उसके बाद कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स, जिसने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी, तो उन्होंने मई 1 को ही एज अ लेबर डे वर्ल्ड वाइड मनाने के लिए मखसूस दिन चूज किया। तो उसी दिन से पूरी दुनिया में 1 मई एज अ लेबर डे मनाया जाता है, जिसका मकसद यही होता है कि जो आज का मजदूर है उसको अपने हकूक के बारे में पता चले, और उनका जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस लेबर डे के थ्रू। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।